फूड पॉइजनिंग जो है वो टर्म बेसिकली जो फूड रिलेटेड इलनेस होती है उसके लिए दिया गया है। ये फूड बॉर्न डिजीज है, मतलब ये खाने की जो चीजें हैं उससे आती है। तो खाने में आइदर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट, या इन चीजों के जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट है, इन्हीं के टॉक्सिन्स भी होते हैं। इससे जो कंटेमिनेशन से जो पॉइजनिंग होती है दैट इज नोन एज फूड पॉइजनिंग। तो ये तो सिर्फ इसकी बात है। इसके अलावा अगर ये सब सब्सटेंस जो भी आप खा रहे हैं अगर इनका क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए, अगर फूड क्लीन है बट क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है कि जो आप उसे उठा रहे हैं हाथ से या जहां पे आपने उसे रखा हुआ है वो एरिया का कंटेमिनेटेड है, दैट इज क्रॉस कंटेमिनेशन। तो इससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओवरऑल अराउंड 48 मिलियन, इट्स वेरी कॉमन, 48 मिलियन केसेस आपके ईयरली हमेशा आते हैं फूड पॉइजनिंग के, जिसके अराउंड 1 लाख के अराउंड हॉस्पिटलाइजेशन होता है और 3,000 अराउंड डेथ इसमें होती है ईयरली। दैट इज इट्स अ कॉमन इलनेस। सिम्टम्स, फूड पॉइजनिंग कैन बी कंफ्यूज एट टाइम्स, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि जो नॉर्मल डायरिया होता है, लूज मोशन एंड ऑल वाला, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। बट फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आर सिमिलर। इसमें आपको उल्टी हो सकती है, उल्टी करने का मन कर सकता है, या फिर फीवर होगा, बट फीवर बहुत हाई ग्रेड का नहीं होगा, माइल्ड फीवर रहता है। इसके अलावा पेट में दर्द, सिवियर एब्डोमिन क्रैम्स हो सकते हैं, या लूज मोशंस जिसमें वॉटरी भी हो सकता है, या अगर इन्फेक्शन हाई ग्रेड बैक्टीरिया से हुआ है तो कभी कभी ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, यानी कि आपके जो मोशंस हैं स्टूल्स में उसमें ब्लड आ सकता है। ये इसके कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा इसके कुछ रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं जिसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, लाइक अगर आपका ब्लड वॉमिट में या स्टूल्स में आ रहा है, या फिर जो एब्डोमिनल पेन है वो बहुत सिवियर हो रहा है, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती जा रही है, और साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन साइंस में ये आएगा कि बिकॉज जो भी वॉमिटिंग वगैरह हुई उससे लॉस हो गया है, पल्स रेट बहुत शूट कर जाती है और ब्लड प्रेशर आपका फॉल करने लगेगा। इसकी वजह से कभी कभी जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फेलियर में जा सकते हैं, लाइक किडनी, लिवर, ये सब फेलियर में जा सकते हैं क्योंकि इन पे भी ब्लड सप्लाई पहुंचेगा नहीं। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। नॉर्मल सिम्टम जैसे अगर नॉर्मली अगर आपको कुछ खा लिया इस तरह का, अगर इट विल रिजॉल्व, लाइक एक दो वॉमिटिंग होगी, आपको ब्लोटिंग, एबडोमिन ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, उसके बाद थोड़ा टाइम अगर आप कुछ नहीं खाएंगे या पानी वगैरह पियेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा। बट फूड पॉइजनिंग में ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके जो सिम्टम्स हैं जैसे वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उसके साथ साथ आपको पेट में काफी क्रैम्स होगा क्योंकि एक तरह का आपको इन्फेक्शन हुआ है, एक तरह की पॉइजनिंग हुई है जिसमें टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं बॉडी में। सिर्फ वॉमिटिंग के साथ आपको लूज मोशंस, क्योंकि आपका सिर्फ अपर और लोअर ट्रैक्ट जो है वो दोनों इन्वॉल्व कर सकता है, तो पेट में दर्द, वॉमिटिंग। इसके अलावा फीवर, फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन, अगर आपको बुखार है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन ही हुआ है, क्योंकि कभी कभी लोगों को सिंपल ट्रैवलर्स डायरिया भी हो जाता है कि आपने कहीं ट्रैवल किया तो आपकी गट मोटिलिटी थोड़ा ऑल्टर होके बैक्टीरिया, सिंपल आपको लूज मोशन हो सकते हैं, पर उसमें आपको फीवर नहीं होगा, पर इसमें आपको बुखार भी होगा साथ साथ। तो अगर ये सब सिम्टम आपके पेट दर्द, उल्टी, बुखार, ये सब साथ में आ रहा है आपके, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग ही हुई है आपको। और फीवर भी इसमें लाइक धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पहले आपको हल्का ही माइल्ड ग्रेड का अराउंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना फीवर आपको रहेगा। फूड पॉइजनिंग इज कॉज बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड इनटेक करेंगे, जो फूड का कंटेमिनेशन बहुत सारे प्रोसेस में हो सकता है, एक कॉमन चीज है जो लाइक जो पोल्ट्री है, मीट है, एग्स है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये सब प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो इनबॉर्न इनमें कुछ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट ऑलरेडी रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर ये अच्छे से कुक नहीं हुआ तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या दूसरा इसकी प्रोसेसिंग में, जैसे कि जो कुक होने के बाद जो इनको स्टोर किया गया है दैट इज नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, या बहुत देर तक बाहर छोड़ दिया गया था तो भी बैक्टीरिया फ्लरिश कर जाएगा, तब आप जब इसको इनटेक करेंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दिस इज अबाउट जो कुक्ड फूड है। इसके अलावा जो चीज होती है दैट इज जो रॉ आप चीज खा रहे हैं, रॉ उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है बाय क्रॉस कंटेमिनेशन, की कोई कंटेमिनेटेड चीज के वो कॉन्टेक्ट में आया और आपने बिना उसे अच्छे से वॉश किए खा लिया, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या फिर
जिस सर्विस में कुक कर रहे हैं या जैसे आप हैंडल कर रहे हैं, आपके हाथ साफ नहीं है, तो आपने उसी हाथ से बनाया है खाना एंड देन वो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर हो गया एंड देन आपने उसे कंज्यूम किया. ये सब वेज हैं इसके फूड पॉइजनिंग होने की. और जो कैंड फूड है, जो ऑलरेडी कुक्ड है, कैंड काइंड फूड है, अगर वो एक्सपायरी डेट क्रॉस कर गया है तो भी उसमें बैक्टीरिया फ्लरिश हो जाएगा और ये आपने इनटेक किया है तो भी फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है. कुछ चीजें होती हैं जो कि वाटर से भी आ सकती है, वाटर बॉर्न लाइक वायरसेस, जैसे कि हेपेटाइटिस से अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो उससे ही आ सकता है वायरस. इसके अलावा जो कॉमन वायरस है जैसे कि एडेनो वायरस, रोटा वायरस, ये जो है रोटा वायरस दैट इज वो प्रीडोमिनेटली आपका डायरिया कराएगा, ये भी आपके कंटेमिनेटेड वाटर से आ सकता है. इस जो कॉमन पोल्ट्री, अगर प्रॉपरली कुक्ड मिल्क नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है. और एक जो कॉमन चीज जो कंज्यूम की जाती है लाइक चीज एंड फ्राइड राइस, इसमें बैसिलस सीरस एक है, वो हो सकता है कि इन्फेक्शन आपको. एंड अगर आपको ब्लडी डायरिया हो रहा है, लाइक ब्लड भी आ रहा है, तब देर इज अ स्पीसीज सैल्मोनेला उसको बोलते हैं, उससे उसका एक हीमोलिटिक वेरिएंट है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है. अगर डोर नॉब्स है या जो आपके किचन के जो ड्रॉर्स हैं उनके हैंडल्स हैं या जो आपके गैस का जो ऑन ऑफ करने का स्विच है वो, या फिर जैसे आपने बताया है कि पेस्ट हो गए हैं या कोई पेट हो गया, ये सब, क्योंकि ये सब जो आपका बैक्टीरिया वायरस है, जब ये किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं उस पर डिपॉजिट कर रहे हैं उस चीज को, जब ये चीज डिपॉजिट होगी तो ये ट्रांसफर हो सकती है. तो या तो जब भी ये एक से दूसरे में कांटेक्ट आएगा इन चीजों का, दैट इज क्रॉस कंटेमिनेशन, तो इनसे भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. इसके लिए आपको डिसइंफेक्शन कराना पड़ेगा. ये सब चीजों के लिए पेस्ट कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है कि कॉकरोचेस घर में ना हो. ये नॉट जस्ट फूड पॉइजनिंग, इससे और भी बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं. फूड पॉइजनिंग का मेन ट्रीटमेंट यही है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें भी हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंट जो फूड पॉइजनिंग के आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशंस, यही कॉमन सिम्टम होते हैं. तो आपको लाइक ओआरएस यही इनटेक करना है, कोकोनट वाटर ओआरएस लिक्विड इनटेक करना है. अगर आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं तो फिर आपको इमिजिएटली हॉस्पिटलाइज होके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है ताकि और फर्दर आपकी कंडीशन खराब ना हो. बाकी जो आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या वॉमिटिंग हो रहा है, उन सब का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा. एंटीबायोटिक्स जो इसमें जो चलते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं है कि इन्फेक्शन हुआ है विद बैक्टीरिया इस ग्रेड का कि एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट हो. तो बेटर ये है कि आप हिस्ट्री सही से दें ताकि डायग्नोस हो सके कि आपको किस टाइप का इन्फेक्शन, किस टाइप का फूड पॉइजन हुआ है, कि टॉक्सिन से हुआ है या सिमिलरली ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है, बैक्टीरिया या वायरस से हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट होगा. अगर आप बाहर हैं, लाइक अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो आपके लिए बेस्ट टेस्ट होगा, एक तो ये है कि अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो ऑलरेडी लाइक सील्ड है, पैकेट में है, तो आप उसमें एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए. अगर इट इज लाइक एक्सपायरी डेट हो चुकी है तो आप उसको मत खाइए. दैट इज फॉर द थिंग्स जिसमें जो पैकेज फूड है. अगर पैकेज फूड नहीं है, आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं जो कि वैसे ही कुक हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे कैसी हाइजीन है, लाइक आसपास कुछ गंदा पानी तो नहीं बह रहा है या जो जो बना रहा है वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है. नॉर्मली अगर कहीं अच्छी जगह पे आप खाएंगे तो वो लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, उनसे प्रॉपर डिस्पोज भी करते हैं. तो आप ऐसी जगह से खाइए जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की है. और अगर आप लाइक कुछ ऐसा खा रहे हैं जो लिक्विड बेस्ड है, वाटर से है, तो उनका जो वाटर का सोर्स है वो आप पता करिए कि वो किस टाइप का वाटर यूज कर रहे हैं. सो अगर वाटर बॉइल्ड नहीं है, सिंपल टैप वाटर है, तो उसमें भी बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिस्क है हेपेटाइटिस होने का. एंड ट्राई करिए कि आप डिस्पोजेबल कप में ही लें, क्योंकि अगर आप दूसरे में लेंगे तो वो भी प्रॉपरली वॉश नहीं होगा, उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है आपका. इसके अलावा जो आप जान सकते हैं फूड आपका सेफ है कि नहीं, वो है आपका विजुअल इंस्पेक्शन, की आपको देख के किस तरह का लग रहा है. तो ये तो आपका प्रोसेसिंग एंड एक्सपायरी डेट ये अलग चीज है, बाकी आपका टेस्ट में आपको ठीक लग रहा है, थोड़ा सा आपने खाया आपको लगा कि इट इज नॉट फ्रेश, तो आप उसे मत खाइए.
या फिर आपको ऐसा लगा कि कलर थोड़ा ऑल्टर लग रहा है, तो ये आपके सारे विजुअल इंस्पेक्शन है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। एट होम व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि जो भी आपका फूड आया है, आप जो भी कुक कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद आप तक पहुंचा है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप उसको अच्छे से वॉश करिए, चाहे आप कुछ भी लाए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या फिर मटन, चिकन, एग्स, जो भी आप कुक कर रहे हैं, उसको आप उसके बाद अच्छे से स्टोर करिए। आफ्टर वॉशिंग यू हैव टू स्टोर इट। स्टोर करने के लिए अगर जैसे आपने वॉश कर लिया है, सो फ्रूट्स वगैरह आप स्टोर करें फ्रिज में, और जो आपका कुक्ड फूड है, अगर आप बाहर से लाए हैं, तो उसमें एक डेट होगी कि कब तक आप उसे कंज्यूम कर लें। अगर आप उसे नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर टेम्परेचर है, दैट शुड बी लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम में ही आपको स्टोर करना है। अगर आपने रूम टेम्परेचर में ही उसे छोड़ दिया है खाने को, तो उसमें चांसेस हैं कि बैक्टीरिया फ्लरिश कर जाएगा। उसके बाद आपने स्टोर किया थोड़ी देर के बाद, तो अब तक उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है जो अपने टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, एंड अब आप उसे जब खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। सो ये तो आप एक प्रिकॉशन लेंगे। दूसरा, जो आपका सरफेस एरिया जहाँ पे भी आप कुकिंग कर रहे हैं, वो क्लीन रहे। बहुत सारे लोग डेली उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो डेली आप क्लीन क्लीन नहीं करेंगे तो भी वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक रहेगा। उससे आपका जो भी आप फूड वहाँ पे रख रहे हैं, उसमें कंटेमिनेशन हो जाएगा। जो आपकी चीजें हैं जो आप यूज कर रहे हैं, लाइक नाइफ एंड ऑल, दैट शुड ऑल्सो बी क्लीन। सो ये सब आपको फॉलो करने हैं प्रिकॉशंस, ताकि आप इस सबसे बच सकें। नॉर्मली जो फूड हम कुक करते हैं, तो उसमें सर्टन गाइडलाइंस होती हैं कि इस टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, बट उसके लिए एक थर्मोमीटर भी आता है, फूड थर्मोमीटर। बट आप नॉर्मली ये सब यूज नहीं कर सकते हैं, तो बिकॉज एवरीडे हाउस होल्ड में आप थर्मोमीटर से मेजर नहीं करेंगे, सो आपको ये करना है कि एटलीस्ट बॉइलिंग से ज्यादा वो हो जाए, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जब वो बॉयल हो जाएगा, जो मिल्क पी वगैरह है, अगर इतने तक आप उसे कर देंगे कि एक बार वंस इट गेट्स बॉइल्ड, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है, वायरसेस है, वो आपके इससे रिमूव हो जाएंगे। बट देर इज नॉट कि 100% गारंटी नहीं है, कि फिर भी चांसेस रहते हैं, बट दिस इज द बेस्ट यू कैन डू कि उसको प्रॉपरली कुक होने दीजिए आप बॉइलिंग से ऊपर टेम्परेचर में। प्रिकॉशन जो मैंने बताई है, हाइजीन की प्रिकॉशंस वो तो लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है हैंड वॉश करना है। जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। इफ इट इज बियॉन्ड एक्सपायरी, आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा, विजुअल इंस्पेक्शन, आपको देखना है कि कोई भी अगर पैकेट आपने खरीदा है, लाइक फ्रूट जूसेस, या अगर वो अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा फूला हुआ है, दैट मींस कि उसमें अंदर से थोड़ी एयर गैसेस रिलीज हुई है बाय बैक्टीरिया, तो आपको ऐसा फ्रूट जूस वगैरह, जो जो भी कैंड है, वो सब आइटम नहीं लेना है। या फिर जैसे आप बाहर जाते हैं, तो आप अवॉइड करिए इस तरह का खाना खाना जहाँ पे आपको लगता है कि जो वाटर सोर्स है वो क्लीन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, देन आपको इनसे फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, बट इफ यू आर एट रिस्क, तो वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है फूड पॉइजनिंग। सो जो भी स्ट्रीट फूड है, इफ यू थिंक कि अच्छे से कुक हुआ है, हाइजीनिक प्लेस है, तभी आप कंज्यूम करिए, अदरवाइज मत करिए। और अगर पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है, तो बहुत कॉमन है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह उनमें नहीं दी जा सकती, बिकॉज इट विल हार्म द चाइल्ड। उनको स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेनी होती हैं जब भी वो बाहर जाते हैं, ये स्पेशली उनके लिए भी है। या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज है, या क्रॉनिक कोई डिजीज है लिवर की, तो इन सब में बेटर है कि वो होम कुक्ड प्रॉपरली ये सब खाना ही खाएं, और जो फूड आइटम्स जिनमें बहुत ज्यादा कुकिंग रिक्वायर्ड होती है, वो नहीं खाएं, या स्टोर्ड फूड भी कंज्यूम ना करें। जो भी पॉइजनिंग वगैरह हो रही है, या टाइफॉइड या कॉलरा, तो उसमें इन्फेक्शन आपके लाइक इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें हुआ है, तो आपको फूड लाइट लाइट फूड ही खाना पड़ेगा। आपको फूड खाना है जो थोड़ा सा इजिली डाइजेस्ट हो सके। लाइक मेन थिंग इज लिक्विड डाइट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, ओआरएस, ओआरएस आपको कंज्यूम करना है तीनों चीजों में, चाहे टाइफॉइड, कॉलरा या डायरिया हो, या फूड पॉइजनिंग, इन सब में आपको ये सब लेना है। प्लस जूस आप ले सकते हैं, फ्रेश जूस आप लीजिए, जो आपको पता है कि हाइजीन से मेंटेन हो के फ्रेश जूस जो आए, या आपने खुद इजीली एट होम बनाया हो। और जो डाइट आपकी रहेगी, सॉफ्ट डाइट रहेगी, नॉट सो हार्ड कि बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स, जो भी कर्ड है,
जो डायरेक्ट मिल्क प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क एंड चीज, ये सब नहीं लेना, बट लाइट जैसे कि कर्ड वगैरह या फिर बटर मिल्क, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। या इसमें आपकी गट के लिए जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो गट की हेल्थ के लिए होते हैं वो होंगे, सो उससे आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहेगी।